दोस्तों मीशो में प्रोडक्ट हर कोई लोग आजकल सेल करना चाहते हैं क्योंकि मीशो में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं कि एक एक सेलर डेली का वाइज 200 से 250 घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को सेल कर हजारों रुपया लाखों रुपया पैसा बना रहे हैं, महीने की वाइज चाहे डेली का वाइज बोलो। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप एक मीशो सेलर बनने के लिए कैसे उसमें आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया ज़रूरी होते हैं और कैसे उसको सेल करेंगे, प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वो मीशो प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कैसे प्रोसेस होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत कुछ चीज़ आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिजनेस करने के लिए चाहे रीसेलिंग बोलो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों देखो, मीशो में प्रोडक्ट सेल बोलो या ऑनलाइन पे अपना घर से कस्टमर के पास माल को पहुंचाने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ होता है आपका बिजनेस का वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब लोग ना जाने कितने ज़्यादा मतलब सोच लेते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सिंपल सा आपको एक GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर आप मीशो में बोलो अमेजोन फ्लिपकार्ट वो तो सेल कर सकते हैं, लेकिन मीशो में बहुत इजी से सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको GST पोर्टल में जाने के बाद सबसे पहले एक तो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेना है, आप जिस पे ट्रेड करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप घर बैठे बैठे बिजनेस करना चाहते हो। उसके बाद GST आपको बन गया, अगर GST बनवाना है कोई भी आपको इशू आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको पूरा मदद कर देगा आपका पूरा GST बनवाने के लिए। अब देखो आपका क्या होगा, GST बनाने के बाद आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम मीशो में सेल करेंगे। अगर आप नॉर्मल सा मीशो ऐप को ओपन कर देखेंगे तो हर एक अलग अलग प्रोडक्ट वहां पर आपको देखने मिल जाएगा, लाइक शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती, हाउस होल्ड डेकोरेटिव आइटम्स बोलो के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको आर्टिकल प्रोडक्ट वहां पर देखने मिल जाएगा। अब आपको इसमें से सेगमेंट चूज करना है कि आप किस सेगमेंट पर जाएंगे। अब जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा के बारे में सोचेंगे तो उस सेगमेंट में रिस्क भी ज़्यादा है, जिसमें प्रॉफिट लो है उस सेगमेंट में रिस्क भी कम है। अब इस बात बोलोगे तो कैसा इसका एक्सप्लेनेशन होगा, मान लो कि अगर आप लोग साड़ी कुर्ती कुछ भी शर्ट सेल करना चाहते हैं तो उसमें मीशो का रिटर्न फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कस्टमर 10 प्रोडक्ट बाय करते हैं उसको पसंद नहीं आता तो वो तुरंत रिटर्न कर देते हैं। कहीं ना कहीं से आप खुद ही सोचो, आप अगर प्रोडक्ट बाय करते हो क्या करते हो, आप रिटर्न से रिक्वेस्ट मार देते हो, रिफंड मिल जाता है आपको, प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हो। यही इशू होता है फैशन कैटेगरी में, लेकिन अगर आप लो मार्जिन की तरफ जाएंगे, कम प्रॉफिट कुछ दूसरा प्रोडक्ट सेगमेंट चूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट तो भले लो है लेकिन रिटर्न चांसेस आपको बहुत ही कम होगा, जो कि आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जस्ट लाइक मान लो आप अगर ऑनलाइन पे कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, लाइक क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा होता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग हो गया, अब मॉब हो गया, ब्रास हो गया, ये तो भाई कोई क्वालिटी का इशू नहीं होता, पसंद आने का कोई मेंटली नहीं बैठेगा कस्टमर के ऊपर। ये देखो अगर किसी ने मॉब बाय करेगा घर पूछने वाला, वो थोड़ी ना उसका पसंद आएगा क्या नहीं पसंद, उसके साथ मतलब किस चीज़ के ऊपर है कि कैसा काम कर रहे वो, बस आप प्रोडक्ट को सही से मॉब भेजो उसको, अब उसमें पैसा कमाओ, इसमें रिटर्न का चांसेस नहीं होते। और मीशो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है रिटर्न का। अगर मान लो एक प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, अगर 10 प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपका 5 रिटर्न आ गया तो अब एक एक रिटर्न के ऊपर आपको 200-250 रुपया पेनल्टी भरना होगा। कस्टमर अगर आपके पास रिटर्न भेज देगा माल को तो 200-250 रुपया आपका अकाउंट से जो 100 रुपये से प्रॉफिट करोगे या जो आपने जितने भी माल सेल करे उससे पैसा माइनस हो जाएगा आपको, उसमें आप प्रॉफिट ही पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या है कि लो रिटर्नेबल चांसेस आपको चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मीशो में सेल करने के लिए। इस वीडियो में ऐप से कुछ हम प्रोडक्ट भी आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसको आप आसानी से मीशो के साथ जुड़कर इजी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब लाइक मान लो कि इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करें, प्रोडक्ट को चूज कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन भी बैठा लिया, GST भी बना लिया, सेल करने के लिए आपको सिंपल गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद सेल ऑन मीशो जैसे ही सर्च करेंगे वहां पर आपको सेलर पैनल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको GST लगेगा, उसके बाद आपका वैलिड बिजनेस का नेम लगेगा जो GST में है, तीसरे नंबर पर आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा जिसके साथ आप ये मीशो के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब जैसे ही तीनों चीज देकर दे दिया, आपको मीशो ने एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देगा जहां पर आप वो आपका प्रोडक्ट का फोटोग्राफी अपलोड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप लाएंगे उसका फोटो खींचेंगे और फोटोग्राफी मीशो में अपलोड करेंगे, वो पैनल आपको देखने मिल जाएगा। अब उस पैनल पे आप अपना सेपरेट प्रोडक्ट छोड़ते रहो आर्टिकल प्राइस देने के बाद। वहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होता है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर अमेजोन बोलो फ्लिपकार्ट बोलो अलग से आपको प्राइस देना पड़ता है कि डिलीवरी चार्जेस, लेकिन मीशो में आपको डिलीवरी चार्जेस का अलग सा
पेमेंट वहां पर नहीं ऐड करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से मीशो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं कि कितना पेमेंट आपका होता है और वो पेमेंट वहां से ऑटोमेटिकली लगा देते हैं। मान लो कि 80 रुपया का प्रोडक्ट ऐड किया तो उसमें 70 रुपया ऐड कर देगा मीशो ने और 150 रुपया में मीशो ऐप में ऑटोमेटिकली कस्टमर को वो आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। तो जस्ट लाइक वो फर्स्ट फैसिलिटीज होते हैं, मीशो डैशबोर्ड आपको जैसे ही मिलेगा वहां पर अपना प्रोडक्ट छोड़ते रहो, विद इन 2 to 3 days के अंदर आपको वहां पर ऑर्डर देखने मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गया मीशो में नॉर्मल सा शॉर्ट वे में मैंने बता दिया कि कैसे आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड आता है कि हम भाई इस चीज़ को कौन से प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। अब लाइक मान लो जैसे कि मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा रीसेलर से जो ई कॉमर्स में कन्वर्ट हुए है वैसा भी बंदा है जो मेरे साथ जुड़कर काम कर। आप लोग क्लीनिंग डिपार्टमेंट पर लाइक मान लो आप हैंड वॉश सेल करो, आप क्लीनिंग डिपार्टमेंट पर फिनाइल सेल करो, क्लीनिंग डिपार्टमेंट पर घर मोछने वाला जो केमिकल होता है, लिक्विड होता है, वो सब सेल करो जिसका रिटर्नेबल चांसेस ही नहीं होते भाई। एक बार डब्बा खोल दिया तो कस्टमर थोड़ी ना रिटर्न कर पाएगा, डब्बा खोला बस रिटर्न चांसेस खत्म हो गए। ये सब प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं। तो ये सब प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे साथ बहुत ही ऐसे होलसेलर जुड़े हुए हैं जो ये सब प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, देन आपको कोई भी प्रोडक्ट होलसेल लॉट पे मिनिमम 10 पीस 15 पीस 25 पीस अगर बाय करना चाहते तो इजी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई भी हो गया, प्रोडक्ट मिल भी गया, अब उसके मीशो में जाकर रजिस्ट्रेशन करो और माल को सेल करते रहो। इसमें आपको तुरंत जैसे सेल लगाएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2000 रुपीस का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको मिलेगा, जो 2000 रुपीस आप एडवर्टाइजमेंट मीशो वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगा जिस 2000 को आप यूज करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर लाने के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होता है। वो 2000 पैसा को यूज कर आप 100-150 ऑर्डर उठा सकते हैं, मतलब टोटली आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरुआत से ही बन सकता है। अगर ये सारा कुछ चीज कंप्लीट फुल डिटेल्स पैकेज हमारे साथ लेना चाहते हैं तो आप अगेन बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे बोलो, स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप कांटेक्ट करो, आपको फुल डिटेल्स वहाँ पर देखने मिल जाएगा। कुश वर्ल्ड के टीम आपको पूरा मदद करेगा ये मीशो में आपका प्रोडक्ट को सेफली सेल करने के लिए और वहाँ से प्रॉफिट कमाने के लिए। वीडियोस को अच्छा लगा लाइक कर देना, ऐसे तरह ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमाने के, ऑनलाइन घर बैठे बिजनेस करने का तरीका देखने के लिए कुश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा छोटा वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे राइस कास्ट का क्लिप्स चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप छोटा छोटा बिजनेस आइडिया का वीडियोस राइस कास्ट क्लिप्स चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नेक्स्ट बड़ी से वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय।